हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी साइंस विद हीना शर्मा. हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स का आज है हमारा थर्ड लेक्चर. इससे पहले हमने जो जेनेटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्लियर की है, उन टर्मिनोलॉजी में क्या क्या इंक्लूडेड है, जीन, एलील, एलीलोमॉर्फ, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, जीन लोकस, हाइब्रिडाइजेशन, फिर हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिर हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, फिलियल्स क्या होते हैं और सेल्फिंग क्या होता है वो पढ़ा था. सेल्फिंग में हमने क्या देखा था कि क्रॉस बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम प्रोजेनी, अगर सेम प्रोजेनी के बीच में क्रॉस हो जाता है तो उसको सेल्फिंग बोलते हैं. अब देखिए, सेम प्रोजेनी के बीच में क्रॉस हो जाता है तो मतलब क्या, अगर हम हमारे केस में, ह्यूमन के केस में कंसीडर करें तो भाई बहन के बीच में जो रियल ब्रदर सिस्टर हैं, अगर उनके बीच में क्रॉस हो जाए तो, ऑल्दो ह्यूमन्स में ये परमिटेड नहीं होता, हम लोग ब्रदर सिस्टर कंसिडर करते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम प्लांट के केस में ऐसे हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो इसको बोलते हैं सेल्फिंग. और अगर सेल्फिंग करते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेल्फिंग की जाती है, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, हमारे पास होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, जो होमोजाइगस प्योर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आ जाते हैं. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइन. अगर प्योर लाइन को और अच्छे से समझना है तो इससे पहले वाले वीडियो देखिए, वहां मैंने सेल्फिंग कराते हुए बहुत सारे क्रॉस दिखाए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से वहां क्लियर हो जाएगा कि सेल्फिंग से जो प्योर नेक्स्ट जनरेशन आती है वो कैसे आती है. दीज आर द प्लांट्स विच हैव अंडरगोन सेल्फिंग. ये वो वाले प्लांट होते हैं जिनमें सेल्फिंग हुई है, सेल्फ पॉलिनेशन हुई है सेवरल जनरेशन के लिए, एंड शो स्टेबल ट्रेट. और उससे क्या होता है, इनके पास एक स्टेबल ट्रेट आ जाती है. स्टेबल ट्रेट मतलब वही ट्रेट आगे आगे हर बार इनहेरिट होगी. अगर कोई प्लांट टॉल है तो हर बार उसकी नेक्स्ट 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 जनरेशन टॉल ही आएगी, टॉल ही आएगी. मतलब उसके पास दोनों के दोनों जो जीन है वो टॉल के लिए ही है, तो हर बार टॉल ही आएगी और कोई आ ही नहीं सकती. होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स आर ऑब्टेन्ड बाय कॉन्टिन्यूस सेल्फिंग. और ये जो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म है, इनको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बहुत लंबे टाइम के लिए सेल्फिंग करके हम इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को ऑब्टेन करते हैं. अब देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास बैक क्रॉस. बैक क्रॉस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टच क्रॉस और बैक क्रॉस में कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों बिल्कुल छोटी छोटी सी डिफरेंस है इनमें. क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड, ठीक है. अब देखो, मैंने आपको हाइब्रिड बताया था लास्ट टाइम जब मैंने टर्मिनोलॉजी बताई थी, तो हाइब्रिड बताया था मैंने आपको. हाइब्रिड का क्या मतलब होता है कि जो हमारी पसंद के गैमीट हमने लिए हैं क्रॉस करने के लिए, उनसे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो हाइब्रिड है. ऑल्दो एक्सपेरिमेंटेशन करते हुए ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसे वाले ही गैमीट सेलेक्ट करूँ जिनके कैरेक्टर बहुत अच्छे अच्छे हों और नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छी आए. हाइब्रिड ओनली वो नहीं होता. हाइब्रिड का मतलब होता है मैंने अपनी पसंद के गैमीट सेलेक्ट करे हैं और उनकी जो जनरेशन आई मेरे लिए, तो वो हाइब्रिड है. ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो वो किसी की भी नेक्स्ट जनरेशन है तो वो ऑफस्प्रिंग तो है ही है ना, तो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग तो हमेशा ही होगा. ठीक है, लेकिन हर ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड नहीं होगा. जब वो नेचर में होगा तो वो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग होगा, और अगर हमारी पसंद के गैमेट होंगे तो वो हाइब्रिड होगा. ठीक है, तो क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हाइब्रिड है और ऑफस्प्रिंग तो वो है ही है क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन है. अगर हमने कोई हाइब्रिड ली, मतलब दो ऑर्गेनिज्म, दो गैमेट्स के बीच में क्रॉस करवाया और उनकी जो हाइब्रिड आई, जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उसको पेरेंट के साथ फिर से क्रॉस करवाया, और कौन से पेरेंट के साथ करवाना है हमें क्रॉस, यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस. और बैक क्रॉस क्यों किया जाता है, जो इम्प्रूवमेंट ऑफ द ब्रीड, ब्रीड की इम्प्रूवमेंट के लिए बैक क्रॉस किया जाता है. देखो यहाँ पे मैं आपको बैक क्रॉस करके दिखाती हूँ. बैक क्रॉस में क्या होता है, अब देखो हमें पर डेफिनेशन के साथ साथ हम क्रॉस करेंगे. क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड विद वन ऑफ द पेरेंट विच इज होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट ले लिया मैंने, कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है. दूसरा मैंने क्या किया, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ले लिया. मैं कोई भी ले सकती थी, ज़रूरी नहीं है. चलिए हम दो क्रॉस कर लेते हैं साथ में. यहाँ पे मैं आपको एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी दोनों के केस में बैक क्रॉस बताती हूँ क्या होता है. यहाँ हमने क्या किया, कैपिटल टी को क्रॉस करवाया, कैपिटल टी से ये गैमेट बना हमारे पास कैपिटल टी, नेक्स्ट बना हमारे पास कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, फिर नेक्स्ट है कैपिटल टी, फिर एक और लिया तो वो बना कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ठीक है, देखिए हमारे पास दो तो होमोजाइगस स्टॉल आए हैं और दो क्या है आए हैं हेट्रोजाइगस स्टॉल. ठीक है, ये इनकी जनरेशन है. अब क्या बोला, क्रॉसिंग ऑफ द हाइब्रिड विद वन ऑफ द पेरेंट विच इज होमोजाइगस डोमिनेंट. अब ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, क्योंकि ये सारे नेक्स्ट जनरेशन है. इनका क्रॉस करना वन ऑफ द पेरेंट के साथ, और वो पेरेंट कैसा होना चाहिए, होमोजाइगस डोमिनेंट. तो होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट हमारे पास ये वाला है. अगर इन चारों में से किसी एक भी गैमीट का क्रॉस हम इसके साथ करवा देते हैं तो वो हुआ बैक क्रॉस. क्लियर है, इसके केस में सेम ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा,
फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, और अगेन एक और आपका कॉम्बिनेशन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। फिर हमने ये हमारे पास सारे ही हेटरोजाइगस स्टॉल बने हैं। हेटरोजाइगस स्टॉल मतलब ऑफस्प्रिंग, कोई भी ऑफस्प्रिंग का क्रॉस करवाना है डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट, जिसके पास दोनों की दोनों डोमिनेंट एलील हो उसके साथ क्रॉस करवाना है ऑफस्प्रिंग का। चाहे आप इसका करवाओ, इसका करवाओ, इसका करवाओ, इसका करवाओ, इस क्रॉस के केस में ही चारों हैं एक जैसे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो एक कैपिटल टी कैपिटलिटी स्मॉल टी है। अगर आप इसका क्रॉस इसके साथ करवाओगे तो भी वो बैक क्रॉस है, और अगर आप इसका क्रॉस इसके साथ करवाओगे तो भी वो बैक क्रॉस है। ठीक है, आपको वन ऑफ द ऑफस्प्रिंग का क्रॉस करवाना है, बैक क्रॉस करवाना है किसके साथ, पेरेंट के साथ। पीछे वाले के साथ क्रॉस हुआ ना, मतलब आगे आगे वाली जनरेशन में क्रॉस की जगह पेरेंट के साथ ही क्रॉस कर दिया, मतलब जैसे बच्चे ने माँ बाप के साथ ही क्रॉस कर लिया, वो वाली बात हुई। लेकिन ये ऑब्वियसली प्लांट है, मैं आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ह्यूमंस में इसे कंसिडर मत कीजिए। ठीक है, हमारी सोशल लाइफ में ये अलाउड नहीं होता है ना। चलिए, तो ये क्या हुआ, बैक क्रॉस। आई थिंक आपको बैक क्रॉस बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया है। बैक क्रॉस के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस देखिए क्या है, इट इज अ क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड विद रिसेसिव पेरेंट। बैक क्रॉस में हमने होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ किया था, टेस्ट क्रॉस में हमने रिसेसिव के साथ किया। मतलब टेस्ट क्रॉस में हमें किसके साथ करना था बताइए, टेस्ट क्रॉस में हमें किसके साथ क्रॉस करना था, रिसेसिव के साथ। ठीक है, रिसेसिव का मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे हमने कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाया था ना, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस करवाया था। इसके साथ टेस्ट क्रॉस में नहीं हो सकता क्योंकि होमोजाइगस हमें क्या चाहिए वहाँ पे, रिसेसिव पेरेंट चाहिए। ठीक है, तो रिसेसिव जीन कौन सी है, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अगर ऑफस्प्रिंग का क्रॉस इस वाले के साथ किया जाए तो ये टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, चाहे मैं इसका करवाऊँ, इसका करवाऊँ, इसका करवाऊँ, इसका करवाऊँ, चारों में से किसी भी आने वाली जेनरेशन नेक्स्ट जेनरेशन में से कोई भी गैमेट उठाऊं और उसका रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दूं, वो हुआ आपका टेस्ट क्रॉस। क्लियर है टेस्ट क्रॉस का मीनिंग, इट इज अ क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड विद द रिसेसिव पेरेंट। टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस भी एक्चुअल में क्या है, बैक क्रॉस का ही एक टाइप है, क्योंकि इसमें हुआ क्या, बैक ही हुआ है ना, पीछे ही क्रॉसिंग हुई है। एंड इट इज यूज टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। बैक क्रॉस का मीनिंग का जो यूज होता है वो याद रखेंगे। बैक क्रॉस हम क्यों करते हैं, जो इम्प्रूव करने के लिए ब्रीड को, क्योंकि उससे हम क्या करते हैं, होमोजाइगस हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन आती रहती है अच्छी वाली। लेकिन टेस्ट क्रॉस हम किस लिए करते हैं, क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाता है कि जीनोटाइप क्या है ऑर्गेनिज्म का। और ये आपको कैसे पता चलेगा, आप बार बार करवा कर देखिए, जरा टेस्ट क्रॉस परफॉर्म कीजिए, कुछ तरह के बैक क्रॉस परफॉर्म कीजिए, आपको धीरे धीरे कुछ समझ खुद समझ आने लग जाएगा कि इससे कैसे जीनोटाइप आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की क्रॉसिंग की बना दूंगी, उसमें बहुत सारे एग्जांपल लेके ओनली क्रॉसिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जीनोटाइप हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए, पर एक बारी के लिए आपके लिए होमवर्क है, आप बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस बहुत सारे करके देखेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, फिर आप उसको देखेंगे कि क्रॉप जो आपके पास इंप्रूवमेंट ऑफ द ब्रीड कैसे हो रही है बैक क्रॉस से, और टेस्ट क्रॉस से आप जीनोटाइप कैसे फाइंड कर पा रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है। हमारे पास मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होते हैं, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होते हैं, ट्राईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होते हैं। ये तीन तीन अलग अलग तरह के टेस्ट क्रॉस कैसे हो पाते हैं, ये क्या होता है, जब आपने सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पी प्लांट की फ्लावर का कलर कैसा है, या फिर उसके सीड का कलर कैसा है, पॉड का कलर कैसा है, फ्लावर की पोजीशन कैसी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ और सिर्फ प्लांट की लेंथ के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, या वो क्या वो टॉल है या वो ड्वार्फ है, बाकी के कैरेक्टर्स का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो हुआ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, जहां पे आपने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेके चलेंगे आप, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, क्रॉसिंग अननोन विद स्मॉल टी रिसेसिव पेरेंट। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि आप सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेकर चले हैं ना, तो आपने टेस्ट क्रॉस किया है लेकिन आप एक ही कैरेक्टर के लिए कर रहे हैं, दूसरा कैरेक्टर उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं। डाई हाइब्रिड में क्या होगा कि आप फॉर एग्जाम्पल उसकी हाइट के साथ साथ कोई और भी कैरेक्टर साथ में ले रहे हैं। देखो दो ट्रेट लिखी हैं, स्मॉल टी स्मॉल पी, तो यहाँ पे इन्होंने दो ट्रेट ले लिए, तो आप उसके कलर के साथ डील कर रहे हैं या फिर आप उसकी हाइट के साथ डील कर रहे हैं, एज इन आप दो कैरेक्टर्स लेकर चले हैं तो वो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा। टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं लेकिन दो कैरेक्टर्स को साथ में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा, टेस्ट क्रॉस है जो रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ क्रॉस हो रहा है, स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल आर तीनों के तीन कैरेक्टर रिसेसिव कंडीशन में होने चाहिए। आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं, तीनों कैरेक्टर रिसेसिव और तीनों को साथ में स्टडी कर रहे हैं और है वो टेस्ट क्रॉस, तो ये क्या हो गया आपका ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, क्रॉसिंग अननोन और अननोन विद
जो रिसेसिव कॉम्बिनेशन होगा. द स्टैंडर्ड टेस्ट क्रॉस रेशियोज आर गिवन इन द टेबल. नेक्स्ट एक टेबल बनाया है मैंने जिसमें मैंने स्टैंडर्ड टेस्ट क्रॉस रेशियो बनाई है मोनो डाई एंड ट्राई तीनों की एक साथ रख दी है तो आपको ईजी होगा. पर आप मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बना दी है लेकिन आप क्या करेंगे आप इसको खुद अपने हाथ से बनाकर देखेंगे आपको तभी क्लियर होगा बेटा. जेनेटिक्स ऐसे कभी क्लियर नहीं होगी, देख के क्लियर कभी भी नहीं होगी. आपको हाथ से अपने क्रॉसिंग करनी पड़ेगी. क्रॉसिंग करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप टेंथ में कर चुके हैं. फर्दर आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको क्रॉसिंग करना सिखाऊंगी भी. फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनो डाई एंड ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. अभी मैंने एक जस्ट एक टेबल बना दिया है टेंथ के बेसिस पे आपके. देखो ये आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट लिया हमने, होमोजाइगस डोमिनेंट ये इसकी बात कर रही है, होमोजाइगस डोमिनेंट है. फिर हेटरोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी स्मॉल टी, होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी इसको हम टेस्ट क्रॉस है ना तो इसको क्रॉस किसके साथ कराएंगे, रिसेसिव पेरेंट के साथ. तो हमने क्या किया यहाँ पे स्मॉल टी रिसेसिव पेरेंट ले लिया और तीनों तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिए. अब अगर इसकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं 4:0 की रेशो आती है और ठीक है हेटरोजाइगस में इसकी जो 2:2 की रेशो आएगी या फिर 1:1 वो कट जाएगा तो वही 1:1 ही हो जाएगा. ठीक है यहाँ पे आपके पास 0:4 की रेशो आएगी कि सब स्मॉल टी ही बनेंगे. फिर डाई हाइब्रिड अगर लेते हैं तो डाई हाइब्रिड में हमने क्या किया, दो कैरेक्टर्स हैं लेकिन होमोजाइगस डोमिनेंट है तो दोनों कैरेक्टर कैपिटल टी कैपिटल पी ठीक है ये आएगा और इसको क्रॉस हमें कराना है, टेस्ट क्रॉस है तो दोनों कैरेक्टर रिसेसिव में होने चाहिए स्मॉल टी स्मॉल पी. ठीक है ऐसे ही ये हमने हेटरोजाइगस लिया एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा क्रॉस फिर सारे छोटे से ही से होंगे. होमोजाइगस में जो रिसेसिव है उसमें आपके पास सारे के सारे फिर से छोटे आ जाएंगे और उसका क्रॉस भी छोटे वालों के साथ ही होगा. ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है. फिर ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो गया तो ये आप अपने हाथ से क्रॉस करके देखेंगे फिर देखेंगे कि रेशो ये ही आ रही है या नहीं. ये जो 8:8:8:8:8:8 अगर ऐसी वाली रेशो आ रही है आप इसको काट के 1:1:1:1:1:1:1:1:1 भी लिख सकते हैं बिकॉज ये 8:8:8:8 सब कट जाएंगे. ठीक है क्लियर है. बाकी के अभी के लिए आपका होमवर्क है आप ये सारे टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो क्रॉस करके देखेंगे. ये चीज़ें यहीं क्लियर करेंगे बिल्कुल, आगे चैप्टर में परेशान ना करें. बाकी रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में करवाऊंगी. ठीक है अभी तक कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग. थैंक यू.